इलाहाबाद थाना थरवई के अंतर्गत ग्राम सभा सुपराबारी में मोहिनी देवी नाम की महिला गांव के ही कुछ दबंग व्यक्तियों के साथ मिलकर न्यायालय के नियमों के उल्लंघन करके अवैध तरीके से निर्माण कार्य करवा रही हैं। भूमि मालिक दीनानाथ शुक्ला ने जमीन पर न्यायालय के द्वारा स्टे ले लिया है, इसके बावजूद वहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। कई बार दीनानाथ शुक्ला ने 100 नंबर को फोन किया, साथ ही थाना थरवई में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बावजूद में न्यायालय के नियम को तोड़ते हुए मोहिनी देवी अवैध तरीके से निर्माण करवा रही है। इस मामले में क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन आंख बंद करके सोया हुआ है। न्यूज फ्रीडम के लिए इलाहाबाद से राजीव की रिपोर्ट। आपकी क्या समस्या है? हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि ग्राम सुपराबारी में जी हमारी बाग है जी, और उस बाग को जो है हम लोगों ने स्प्रे ले लिया था जी, जिससे कि उस पर कोई कार्य जो है ना हो पाए जी। लेकिन उस गांव की निवासी मोहिनी देवी नाम की महिला है जी, और भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष वीरेंद्र शुक्ला जी, ये सब मिलकर वहाँ पर अवैध तरीके से निर्माण करा रहे हैं जी, और उस निर्माण कार्य को हम रोकने के लिए यहाँ थाने पर एप्लीकेशन भी दिए और फोन भी किए, लेकिन अभी तक निर्माण पूरी तरीके से रोका नहीं गया जी। अभी भी निर्माण कार्य चालू है, प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। और जब प्रभारी से फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फोन आ रहा है जी। मैं इस मैटर पर कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो हम अपनी नौकरी बचाएं कि महिला का मैटर देखें। अच्छा, इस तरीके से दबंग नेताओं के जरिए चल रहा है जी? जी, पूरी तरीके से थाना थरवई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दबंगई के तरीके चल रहा है। तो क्या इस सरकार से आप त्रस्त हैं काफी? पूरी तरीके से ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है। अच्छा, इसमें सब ऊपर से नीचे तक जो है पैसे से जो है लिप्त है।